लड़ गया यार, बहुत बहुत बुरा लड़ा है। किनारे कर दो यार। 18 किलोमीटर के आसपास हम लोगों ने कवर कर लिया है और मैं तो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड था कवर करने के लिए, लेकिन कुछ ज़्यादा हो गया है। तो क्या आपको क्या लग रहा है मैं कौन हूँ? उत्तराखंड का प्रदीप? नहीं, मैं हूँ मधुर मिश्रा और आजकल कुछ अलग ही भूत सवार हुआ है। तो सुबह का बज रहा है 5:15 और अभी इस टाइम पे मैं हूँ रोड पे और रोड पे चला रहा हूँ साइकिल। तो अभी ये क्या भूत सवार हुआ है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कहीं पे रुक के या चलते चलते ही, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट। रुकने का टाइम नहीं मिला और लखीमपुर से यानी कि LRP चौराहा जो भी हमारा मीटिंग पॉइंट था वो क्रॉस करके हम लोग आ चुके हैं आगे। और बात ही ये कि हम साइकिल क्यों चला रहे हैं वो इसलिए क्योंकि ये आज का जो साइकिल का सीजन है वो है प्रैक्टिस डे। मेरे जैसे लोग जो कंटिन्यू राइड नहीं कर पाते हैं साइकिल से, तो इसीलिए एक प्रैक्टिस सेशन है आज, क्योंकि 7 अप्रैल 2022 एक बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला है और वो इवेंट वर्ल्ड हेल्थ डे की वजह से होने वाला है और उसमें बहुत सारे साइकिलिस्ट पार्ट ले रहे हैं। जो भी साइकिल नहीं भी चला रहा है कंटिन्यू वही पार्ट ले रहा है क्योंकि हेल्थ डे है, तो उसको भी प्रमोट हम लोग कर रहे हैं। बाय द वे वेलकम बैक टू माय चैनल MTV मधु, वेलकम बैक टू दिस एपिसोड ऑफ साइकिल डे। सुबह चाहे आप साइकिल से राइड करो या फिर बाइक से राइड करो, दिन बहुत ही अच्छा जाता है। तो इसी दिन को और थोड़ा सा बनाने के लिए, क्योंकि मैं कंटिन्यू राइड नहीं करता हूँ साइकिल से और 2-3 दिन हो रहे हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ क्योंकि 7 अप्रैल को जो भी वर्ल्ड हेल्थ डे है वहाँ पे मतलब उस दिन बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला है। करीब 20-25 किलोमीटर की राइड होने वाली है साइकिल से, क्योंकि साइकिल से 20-25 किलोमीटर की राइड होने वाली है। तो इसीलिए इस राइड पे थोड़ा अपने बॉडी को यूज़ टू करना है, इस वजह से मुझे साइकिल से आज प्रैक्टिस पे निकलना पड़ा। और बस यही है, सुबह सुबह की मॉर्निंग एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी सबसे इंट्रोडक्शन वगैरह कराएंगे लेकिन पहले अपन कर लेते हैं क्योंकि सारे ही लोग नए हैं और मैं उनकी क्लब में मैं ज्वाइन हो रहा हूँ। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह कर लेते हैं और उसके बाद फिर आप लोगों से कराते हैं क्यों बना है ये क्लब और किस लिए बना है। तो बस यही, सांस फूल रही है, ज़्यादा बात नहीं करूँगा और यहाँ पे बहुत ही प्यारा सनराइज़ होने वाला है, जैसे होता है मैं आप लोगों को ग्लिम्स दिखाता हूँ। और उसी रोड पे चल रहे हैं जिस रोड पे अभी ओयल मंदिर गया था, और ओयल मंदिर को मतलब मेढक मंदिर को फ्रॉग टेंपल को कवर करने के लिए जिस रोड पे मैं गया था उसी रोड पे मैं हूँ। ये देखो सामने चिमनी दिख रही है, वही वाली जिस पे मैंने टाइम लैप्स लिया था। सबसे बेकार टाइम लैप्स मेरी लाइफ का वही था। बहुत ही बढ़िया मोमेंट है, अभी तक साइकिल चल रही है, करीब आधे से पौन घंटा हो गया कंटिन्यू साइकिल चला रहा हूँ। अब राइड क्या करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे आप साइकिल राइड करो चाहे बाइक राइड करो, आज साइकिल राइड कर रहे हैं। कुछ अच्छा और कुछ यूनिक देखने को मिल रहा है, कुछ अच्छा एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। पीछे बहुत ही अच्छा सनराइज़ हो रहा है, मज़ा आ रहा है और सुबह सुबह की हवा शांति भरी। बस चले जा रहे हैं। साढ़े 6 बज रहा है अभी और 1 घंटा हो चुका है राइड करते हुए साइकिल से। करीब मान के चलो 15 किलोमीटर के आसपास मैंने कवर कर लिया हम लोगों ने, और 15 किलोमीटर कहाँ पे वही
जहाँ पे हम लोग आए थे, मैंने कवर किया था मेढक मंदिर अभी रिसेंटली, मैंने जो कवर किया है तो वो आए थे बाइक से, और अभी सेम कवर किया है साइकिल। क्या ले भाई, मज़ा ही अलग है। तो सनराइज क्या बात है। यहाँ से लखीमपुर करीब करीब 10 किलोमीटर है अभी, और मान के चलो करीब 18 किलोमीटर के आसपास हम लोगों ने कवर कर लिया है। और मैं तो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड था कवर करने के लिए, लेकिन कुछ ज़्यादा हो गया है। कवर होना चाहिए था थोड़ा थोड़ा, लेकिन इट्स ऑल इन योर माइंड कि आप कितना कवर कर सकते हैं। कुछ भी आप कर सकते हैं, कोई भी काम, बस खाली माइंड मेकअप होना चाहिए, काम सारे हो जाएंगे। तो यही है अभी आज का जो सेशन था वो हेल्थ के ऊपर। और वंस अ राइडर ऑलवेज अ राइडर, राइड करने का मीडियम भले ही कुछ भी हो, राइड करने का मीडियम भले ही कुछ भी हो, बट राइडर होना चाहिए। तो हमारी राइडर्स की फ्रेटर्निटी में बोला जाता है कि वंस अ राइडर ऑलवेज अ राइडर। तो यार बात कुछ ऐसी है कि मैं तो राइडर हूँ और मैं राइड करता हूँ बाइक, और सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें राइड करने को मिले जाकि लखीमपुर के अंदर होते हुए भी कुछ ना कुछ राइडर्स के राइड करने का पर्पस मिल जाए। तो अगर बाइक राइड नहीं कर रहे हैं तो साइकिल राइड कर रहे हैं। तो हमारे साथ में एक ग्रुप है जो कि लखीमपुर साइकिलिंग क्लब है, और किसने चालू किया था? सबने चालू किया था, मैंने इन लोगों को बहुत पहले से फॉलो कर रखा है। और एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और क्यों चालू किया था थोड़ा सा। मेरा नाम अजय मिश्रा है। चालू करने का पर्पस यही है कि आई जस्ट वांट टू मेक अवेयर पीपल ऑफ आवर सिटी फॉर हेल्थ। और जो कोरोना पीरियड निकला तो काफ़ी सारे लोगों को उसमें दिक्कतें हुई, इनकी इम्यूनिटी कम थी, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी उसने सर्वाइव कर लिया। बाकी तो इसी सब को देखते हुए कि हमारे शहर में साइकिल क्लब सारे बड़े स्टेज में होता है, इसीलिए स्टार्ट किया। अच्छा, तो एक बार इंट्रोडक्शन सब लोग अपना अपना देंगे या आप ही दोगे? तो मैं जितेंद्र प्रताप सिंह, बेसिकली मैं टैक्स प्रोफेशनल हूँ। अच्छा। जैसे अजय जी ने बताया कि लखीमपुर साइकिलिंग क्लब जब हम लोगों की जानकारी में आया, दे आर द फाउंडर पीपल, वैसे वैसे ही हम लोग जुड़ते गए। और सबसे अच्छी बात है कि वी आर नाउ कमिटेड फॉर ईच अदर, एक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है, बट वी आर ऑल्सो वर्किंग लाइक ए टीम वर्क। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि लखीमपुर के अंदर धीरे धीरे हमारे ग्रुप पे या आयुष भैया जो हम लोगों का शुरुआती है, तो हम लोग एक अटैचमेंट जैसा भी है। तो साइकिलिंग क्लब एक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अलग हो गया, बट वी आर ऑल्सो इमोशनली अटैच। तो इट इज़ ए गुड इंडिकेशन फॉर फ्यूचर कि हम लोगों का ऐसे वन बाई वन, और कई इवेंट्स भी हो रही हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे पे भी हुई है, इससे पहले कार्स डे पे भी हुआ है। अच्छा। और हर बार वो संख्या बढ़ती जा रही है, देयर आर गुड पीपल इन आवर टीम, तो ये डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है। जैसा कि मैंने भी फॉलो किया हुआ है पेज इनका बहुत पहले से, और जब से मैंने फॉलो किया तब इनकी टीम में शायद 10 से 12 लोग थे शायद, और उसके बाद से फिर कंटिन्यू इनकी टीम बढ़ती जा रही है, सारे इवेंट हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ बड़ा करते हैं, कुछ बड़ा ये लोग कर रहे थे, तो मैंने इन लोगों को ज्वाइन किया है। और भाई मैं पीयूष अग्रवाल, मैं बेसिकली बिजनेस मैन हूँ, और हम लोग मतलब साथ में जुड़ के साइकिलिंग कर रहे हैं। बेसिकली एक मोटिव यही है कि लोगों के मन में अवेयरनेस क्रिएट करना कि हेल्थ के लेके, हेल्थ की जो इश्यूज हैं उसके लिए, उसको बेसिकली लेके। और लेकिन उसके साथ ही साथ हम लोग साइकिलिंग के साथ भी जो अटैचमेंट आपस में जुड़ रहा है वो अटैचमेंट भी हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भाई, पता चलना चाहिए कि चल रहा है नहीं चल रहा है। मैं आयुष श्रीवास्तव, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं गुड़गांव की एमएनसी में वर्किंग हूँ। ड्यू टू कोविड मैं वर्क फ्रॉम होम शिफ्ट करने आया, तो फिर मैं यहाँ पे जुड़ा। अजय मेरा बहुत स्कूलिंग फ्रेंड है मेरा, फिर मैं इसके साथ जुड़ा। साइकिलिंग मैं और भी एक्टिविटीज़ करता था, साइकिलिंग में जुड़ा। धीरे धीरे मैं साइकिलिंग इसके साथ जुड़ के अजय और इनके साथ तो मेरी बॉन्डिंग थी, पर अब मेरी सारे सब लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट और बॉन्डिंग मेरी बहुत ही अच्छी हो गई है। और हम लोग यहाँ पे साइकिलिंग के साथ साथ और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। अच्छा। मेरा नाम दिलजिंदर सहोता है, और इस ग्रुप को इनकी लास्ट इवेंट पे हमने इस ग्रुप को ज्वाइन किया था जब इनकी उस समय इस ग्रुप के बारे में जानकारी भी मिली और हमने ज्वाइन किया। एंड एवर सिंस हम इनके साथ रेगुलर साइकिलिंग कर रहे हैं। एंड ये हमारे कैप्टन भी हैं,
और ही इज़ अ ग्रेट मोटिवेशन फॉर द ग्रुप. बिल्कुल बिल्कुल. तो ये आपको मोटिवेट करते रहते हैं, आप में जो अगर कभी लेजीनेस आ जाती है तो ये अपने हाँ एक और बंदे हैं नवदीप सिंह अजमानी जी, आज नहीं है वो लखनऊ में. अच्छा. तो वो भी हम लोगों के सीनियर्स थे, काफ़ी सीनियर है और वह अच्छी राइड उन्होंने कर रखी है. हम लोगों को सबको वो मोटिवेट करते रहते हैं, हालांकि हम सभी लोग एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं. जितेंद्र भैया ने कहा वी आर वेरी वेरी मच अटैच एंड वी हैव काइंड ऑफ कनेक्शन, वो चीज़ बहुत अच्छी निकलती है. नहीं सही है, हाथ दर्द करने लग गया भाई. सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है. अच्छा एक चीज़ मोटिवेशन को लेके मैं यही बोलना चाहूँगा कि मोटिवेशन अगर इस तरीके का मिले, जो कि मैं सोच रहा था, मैंने इनको शायद 4-5-6 महीने पहले मैंने इनको कमेंट किया था कि मैं वेरी सून मैं ज्वाइन करूँगा इनका ग्रुप, लेकिन अपनी भी राइड वगैरह चलती रही थी तो इसलिए वजह से नहीं कर पाया. लेकिन अभी जब तक मैं रहूँगा लखीमपुर में तब तक होपफुली और मोटिवेशन का क्या बताऊँ मैं, करीब करीब यहीं तक मैं आया था और इन्होंने बोला अजय भाई ने कि ऐसा है आपने बहुत कर लिया है, आप वापस जाओ प्रैक्टिस दी. तो मैंने जो कर लेते हैं अभी और करेंगे, थोड़ा अपने अंदर माइंड मेकअप करना ज़रूरी है कि भाई कितना आप कर सकते हो, कितना खींच सकते हो. तो बस यही है. और भाई साहब कहाँ हैं? बिजी. अच्छा चलो कोई नहीं, उनको बाद में इंट्रोडक्शन करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. चलो अभी यहाँ से निकलते हैं और चौड़ा चाय नाश्ता वगैरह हुआ है और बस निकलते हैं और अब मिलते हैं आप लोगों को रास्ते भी. लड़ा है, लड़ा लड़ा तो है, भैया लड़ गया यार, बहुत बहुत बुरा लड़ा है. किनारे कर दो भैया. पानी है, पानी 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 देना यार, हो सकता है बच जाए यार. नहीं नहीं फट गया. नहीं पा ऊपर डाल दे. नहीं नहीं हाँ ठीक है ठीक 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 ठीक, बहुत सही बहुत सही. अरे साइकिल बीचों बीच में लगा दी. मर जाएगा, मर जाएगा. एक्चुअली चलते चलते हम लोगों ने देखा था अभी रोड पे सांप मारा पड़ा हुआ है, तो जिंदा था, पानी वानी डाल दिया, साइड में कर दिया, शायद गाड़ी को चढ़ गई है. बाकी तो भोलेनाथ की कृपा, बचेगा नहीं बचेगा पता नहीं, लेकिन अपना कर्तव्य था हम लोगों का, साइड उसको कर दिया, पानी वानी डाल दिया बस. सो अभी करीब करीब टाइम हो रहा है मान के चलो 8, और अभी लखीमपुर बचा हुआ है 3 किलोमीटर. बहुत ही अच्छी राइड रही है, छोटी सी राइड, छोटी नहीं कहूँगा, लेकिन जितनी देर में 150 किलोमीटर कवर हो सकती है बाइक से, उतनी देर में मान के चलो 25 से 28 किलोमीटर हम लोगों ने कवर कर लिया है. मतलब घर पहुँचते पहुँचते 25 से 28 किलोमीटर तक कवर कर लेंगे. तो देखते हैं अभी क्या होता है. हार्ड फर्स्ट डे था, नॉट बैड कि अगर 25 किलोमीटर भी कवर किया है पूरा टोटल तो भी सही है, नॉट बैड. 5 hours later बाइक हो, साइकिल हो या कोई फोर व्हीलर हो, कुछ भी आप अगर चलाते हैं तो आपके अंदर मतलब माइंड मेकअप होना चाहिए कि आप कितना चलाना चाहते हैं और कितना चला सकते हैं. बॉडी आपकी कितनी अलाउ कर रही है उसी हिसाब से आपको चलाना चाहिए. मुझे क्या करना है उस चीज़ के ऊपर मुझे माइंड मेकअप मुझे मैं पहले कर लेता हूँ. और दूसरी चीज़ कि बाइक इतनी ज़्यादा मैं राइड कर चुका हूँ तो अपनी बॉडी का जो स्ट्रेंथ है मुझे पता है कि हाँ अगर मैं कुछ और भी बाइक के अलावा अगर चलाऊंगा तो वो कितना मैं अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकता हूँ, उतना डिस्टेंस मैं कवर कर लूँ जितना बाकी सब कर रहे हैं, क्योंकि वो कंटिन्यू वो राइड कर रहे हैं और कंटिन्यू मतलब डेली वो राइड करते हैं और फिर वो वापस आते हैं उतना ही जितना कि मैं बाइक से करता हूँ. तो यही चीज़ है कि आप कोई भी अगर बाइक या साइकिल या फोर व्हीलर कुछ भी राइड करते हैं
तो आपका माइंड मेकअप होना जरूरी है। तो और बाइक चलाने का, बाइक राइड करने का इतना प्रैक्टिस हो चुका है लास्ट ईयर से, मतलब बहुत सालों से मैं बाइक चला रहा हूँ, तो और भी लास्ट ईयर में कितनी भी लॉन्ग ट्रिप मैंने करी है, मतलब बाइक से इतने ज़्यादा मैं स्ट्रेच करता हूँ, तो मुझे पता है कि अपनी बॉडी को कितना ज़्यादा मुझे पुश करना है ताकि मैं अपनी स्ट्रेंथ जान सकूँ और मुझे स्ट्रेंथ अपनी पता चल सके। बस यही सब चीज़ें हैं। बाकी यस ऑब्वियसली कि मुझे, मैं पहली बार साइकिल इतनी लॉन्ग राइड के लिए मैं चलाया तो ऑब्वियसली बॉडी पेन तो होगा ही होगा, तो इसीलिए मेरे पैर दर्द तो हो ही रहे। तो और इस ब्लॉग में थोड़ी सी एक चीज़ें और भी हैं, वो ये कि जो ये ब्लॉग था वो मैंने GoPro से शूट किया था। GoPro में क्या होता है कि आप मीडिया मोड लगाते हो GoPro 9 में, तो मीडिया मोड में क्या होता है कि आप फ्रंट कैमरा ऑन करते हो, बैक कैमरा ऑन करते हो, राइट। तो फ्रंट कैमरा मेरा ऑन था लेकिन हवा भी इतनी ज़्यादा सुबह सुबह चलती है, इस वजह से वो उतनी ज़्यादा अच्छे से क्लियर आवाज़ नहीं है, लेकिन हवा की आवाज़ भी थोड़ी बहुत है, तो इसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, आप थोड़ा सा बियर करना इस चीज़ के ऊपर। नेवरदलेस ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं, कुछ होता है अच्छा तो कुछ बुरा भी होता है, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए भी मतलब टेंशन भरा रहा कि जैसे मैंने अभी डेटा मैंने एक्सपोर्ट किया तो मुझे पता चला था ये मेरी नई जर्नी जो कि जिस हिसाब से मैंने कैप्चर किया है इसको। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो ब्लॉग अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक, शेयर और कमेंट, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि नई ब्लॉग के नए ब्लॉग की नोटिफिकेशन जो है आप लोगों के पास में पहले आ जाएगी, अगर नोटिफिकेशन आपको ऑन हुई, अगर ये बेल आपकी ऑन हुई तो। बाकी मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, दुआ वेलकम, सलाम, सत श्री अकाल, बाय बाय।